Hello kids, welcome to math session and welcome to the chapter playing with numbers. So in the previous session we have seen how does by multiplying with 10 and 100 we decide with the place value of the number and how a simple number can be written in different forms like 53. It can be written 10 into 5 plus 3, 351. तो 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 5 इन प्लस 1. सो ऐसे वी कैन राइट नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटर्स फॉर डिजिट्स. अब लेटर्स मीन्स अल्फाबेट. अब इसको कैसे करना है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो टू रूल्स ऑफ पजल क्या है? अब ये आपके सामने इसका आपको हिंट मिल गया ना, दिस मीन्स कोई पजल आनी है और उन पजल का हम थोड़े से रूल्स लेकर चल रहे हैं. सो पहले रूल समझते हैं फिर पजल को देखेंगे कि ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट. ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन लेटर. सो अभी आप ये समझ लिए, सपोज हम लेटर लिखना चाहते हैं हम डिजिट लिखना चाहते हैं 7, तो हम इसको अगर ये हमें फाइंड आउट करनी है तो इसकी जगह वी कैन जस्ट पुट डाउन ओनली वन लेटर. सपोज हम इसकी जगह लिख दें आर. तो अगर ऐसे हमने कोई भी अल्फाबेट लिख दिया है तो दिस मीन्स अ सिंगल अल्फाबेट विल गो विद द सिंगल अल्फाबेट विल गो विद ओनली वन डिजिट. क्लियर हुआ आपको? अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स इसके दिखाऊंगी तब और ज्यादा क्लियर होगा एंड वो एग्जाम्पल देख के फिर से इन रूल्स को हम थोड़ा सा समझेंगे. नेक्स्ट, द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी जीरो. जैसे यहां पे आई हैव एक्सप्लेन यू कि जो हम जब नंबर लिख रहे हैं वैसे हम कह रहे हैं दिस इज वंस दिस इज टेंस, लेकिन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो डेट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट डिजिट. और जो फर्स्ट डिजिट होगी, जो भी हमें नंबर देगा जो हम करने जा रहे हैं आगे, वो क्या होगा? वो जीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर हुआ? अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, फाइंड क्यू इन द एडिशन. तो देखा आपने यहां पे क्यू है, तो क्यू का मीनिंग क्या हुआ? मीन्स देयर इज ओनली वन डिजिट. क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरी चीज, ये आपके सामने 3 1 Q 1 Q 3. सो यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो यहां पर डिजिट होगी द सेम डिजिट विल बी हियर. दिस मीन्स अगर हमने यहां की डिजिट फाइंड आउट कर ली तो हमें दूसरी डिजिट पता चल गई. सो ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट्स प्लेस वैल्यू इज चेंजिंग तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यू डिजिट. नहीं, जो अल्फाबेट अल्फाबेट है क्यू, अब जहां पर भी हम क्यू लिखेंगे तो क्यू जो उस नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है द सेम नंबर विल गो. क्लियर हुआ? सो ऐसा नहीं है यहां पे दूसरा नंबर होगा यहां पे दूसरा, नहीं, बिकॉज क्यू इज हियर दिस मीन्स एट बोथ प्लेसेस द नंबर विल बी सेम. सो अब मेन थिंग है, नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू? तो दिस मीन्स 3 जो नंबर है ये कौन से नंबर के साथ एड होगा डेट आई कैन गेट 1 डाउन. मुझे नीचे 1 चाहिए, कैरी में कुछ भी हो सकता है, कैरी में हो भी सकता है, कैरी में नहीं भी हो सकता है, बट द मेन थिंग इज आई वॉन्ट 1 ओवर हियर. And then when this one is added with the same number here, it should give 0.
जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी ऑटोमेटिकली वी कैन चेक विद दिस। लेकिन इससे भी हमें एक और हिंट मिल रहा है कि 3 + 1 = 4, हियर इट इज रिटन 5, दिस मीन्स कैरी भी खाली 1 ही होना चाहिए। हम ऐसा कोई नंबर नहीं ले लें कि कैरी कम्स आउट टू बी मोर देन 1, तो दिस विल नॉट गेट अलाइन विद इट। तो ये सब थिंग्स हमें सोचनी होंगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ जस्ट लुक फॉर, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल चेक विद अवर एडिशन स्किल्स। एडिशन स्किल्स में हम देख रहे हैं 3 में व्हाट डज वी ऐड दैट इट बिकम्स समथिंग विद 1 एट वंस प्लेस। सो 3 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, ओके। 3 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं 4 हो रहा है। ऐसे सोचते हुए अगर हम चलें तो 3 + 7 विल गिव अस 0, तो 0 मींस 3 + 7 विल गिव अस 10। 1 मिल रहा है लेकिन 1 कहां पर है, 10th प्लेस पे है। यहाँ पे तो हम हमेशा जब ऐड करते हैं तो 1th प्लेस पे जो नंबर होता है वी राइट डाउन, और 10th प्लेस का वी गो विद द कैरी पार्ट, है ना, हम उसको आगे फर्दर एडिशन में एड ऑन करते हैं। तो हमें तो 1th प्लेस पे 1 चाहिए ना कि 0। तो हम आगे चलते हैं तो 3 + 8 = 11, तो हमें लग रहा है यहाँ पर 8 आना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 3 1 यहाँ पर 8 लिखेंगे, 1 Q यहाँ लिखा रहने देंगे, एंड 8 3 11, और हमने एक कैरी करा 2, ठीक है। 1 + 1 = 2, और 2 में अब हमें कंफर्म हो गया जब 8 ऐड होगा तभी तो 10 बनेगा, और तभी अब 10 जो बना जो हम 1 प्लेस पे 0 था डेट विल कम डाउन। और यहाँ पे हमने एनालाइज कर लिया था कि कैरी में हमें 1 चाहिए होगा तभी हमारा 5 बनेगा। सो ये सारा कैलकुलेशन के बाद अब हमें पता चला जो Q है डेट स्टैंड फॉर 8। क्लियर हुआ? तो ये बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू इसलिए इतना लंबा लगा, लेकिन वंस दिस अंडरस्टैंडिंग इज विद यू तब दीज थिंग्स यू कैन डू वेरी फास्ट, है या नहीं है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा एडिशन में हम क्विक हैं देन इट विल टेक नॉट मच टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट विच नंबर शुड बी एडेड टू अ पर्टिकुलर नंबर सो डेट द रिक्वायर्ड नंबर वी कैन गेट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अब फाइंड ए एंड बी इन द एडिशन। अब आप ये चीज देखें तो इसमें व्हाट इज द यूनिक थिंग, कैन यू फाइंड आउट इसमें से क्या एक यूनिक पार्ट है? यस, द सेम नंबर इज गेटिंग एडेड थ्राइस, और जो वंस प्लेस पर जो नंबर आ रहा है दैट इज इन अलाइनमेंट विद दिस। सो अगर हम जैसे 1 ले तो 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1, तो ये तो हमारा अलाइन हो गया ए ए ए से, लेकिन ये होके क्या आएगा 3, एंड तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो यहाँ का ए विल कैनॉट रिप्रेजेंट 3, तो 1 कैनॉट बी देयर। ऐसी 2 2 2 करें आंसर मिलेगा 6, ठीक है, 3 3 3 करें आंसर मिलेगा 9, 4 4 4 करें आंसर मिलेगा 12, तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे वी विल गो विद द काउंटिंग। तो आप ये समझ लीजिए जब ऐसे थ्राइस नंबर का करते हैं और के सेम नंबर करें और वंस प्लेस पे वी गेट द सेम नंबर, तो देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, ईदर वी आर एडिंग 0 0 0, दिस कम्स आउट टू बी 0, अदरवाइज वी आर एडिंग 5 + 5 + 5, तो हमें क्या मिला है 15, तो वंस प्लेस पे हमारा 5 मैच हो रहा है। क्लियर? अब जैसे अगर हम करें 7, तो 7 + 7 + 7,
कितना हुआ 7 + 7 + 7 ये हुआ 21, तो वंस प्लेस पे आई एम गेटिंग 1, सो आई कैन नॉट टेक दिस. तो इसमें देखते ही हमें पता चल गया यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5, तो 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, तो ए में भी हमारा 5, तो सारा 5 5 5, दिस मीन्स ए इज रिप्रेजेंटिंग नंबर 5. क्लियर हुआ? और तो 15 है तो एक हमारा बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 15. क्लियर? मजा आ रहा है? समथिंग वेरी डिफरेंट जो अब तक हम लोगों ने मैथ्स में कर रहा है उससे काफी कुछ डिफरेंट थिंग है. और ये चैप्टर अगर आप देखें, इफ यू वॉन्ट टू सिट इन कॉम्पिटिशंस, हाँ, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट मिसिंग नंबर्स. और यही आपका ये एक इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट वेयर यू कैन थिंक अबाउट कि हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द डिजिट्स ए एंड बी. अब ये यहां पे देखें, दिस इज इन मल्टीपल, तो अब आपको समझ में आ गया ना, 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि नेचुरल है जब हम 3 से कर रहे हैं तो हमें टेंस का मिलेगा, तो टेंस के जो नंबर मिले, मींस 2 डिजिट जो नंबर मिले, उसका जो 1 जो वंस पे डिजिट है, दैट शुड बी अलाइन विद द नंबर विद विच वी आर मल्टीप्लाइंग, तभी हमें नीचे यहां का जो नंबर है विल वी आर गोइंग टू मैच इट डाउन. तो आप बताएं क्या कहां से करें. तो हम 3 की टेबल जब हम देखते हैं तो 3 1 3 मींस हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें आंसर 3 मिल रहा है, तो नहीं होगा. सो हम पहले 3 की टेबल को चेक कर लेते हैं. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. तो अब तक जो हम देख रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1 बट वी आर गेटिंग 3, 2 कर रहे हैं 6, 3 कर रहे हैं 9, 4 कर रहे हैं, तो वंस प्लेस पे आई एम गेटिंग 2, बट व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 5, वंस प्लेस पे आई एम गेटिंग 5, है या नहीं है. तो दिस मीन्स यहां पे आई विल मल्टीप्लाई बाय 5, तभी क्या होगा, 3 5 15, तो यहां पे आ गया 5. अब बस 3 5 15, यहां पे मेरा कैरी 1. अब यहां नीचे आई वॉन्ट 7. क्लियर हुआ? तो दिस मीन्स क्या होगा, अब हम 3 यहां पे आ जाएगा 2. लेकिन अब आप देख रहे हैं ये भी है, तो हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 25 and 23, क्योंकि हम 3 2 6 1 7, लेकिन जब हम ये पूरा बी ए एंड बी 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी शुड गेट 575. तो चेक करते हैं, 3 5 15, 3 2 6 7, 2 5 10, 5 575. यहां पे हमें भी 575. दिस मीन्स यहां पे बी जो है वो 2 है और यहां पे भी बी 2 है. सो हमारे कौन से जो नंबर अगर हम देखें तो इट इज 25 × 23. क्लियर हुआ आपको? सो दिस इज द वे वी हैव फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स ऑफ ए एंड बी. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर इफ they are written in the alphabetical form. तो एक addition का example देखा, एक हमने multiplication का example देखा. So in the coming sessions we'll do some exercise related to the same concept. See you again. Bye.